आज के इस वीडियो में जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन सेंट मोबाइल को कैसे रजिस्टर और इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेंट मोबाइल को ओपन करेंगे। और इसके बाद नीचे जाएंगे, रजिस्टर हियर, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेंगे और इसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको अलाउ कर देंगे। यहाँ पे जो है CIF नंबर इंटर करेंगे, आपको पासबुक में मिल जाएगा, वहाँ से देख करके यहाँ पे इंटर करेंगे और इसके बाद इसको सबमिट कर लेंगे। और इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा और उसको यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे OTP को जो है ऑटो डिटेक्ट कर लिया है और इसके बाद इसको सबमिट करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल जाएगा, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ब्रांच जनरेटेड टोकन और ATM मशीन से भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है डेबिट कार्ड से करेंगे तो इसको सेलेक्टेड रहने देंगे और यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पे एक्सपायरी डेट इंटर कर लेंगे, यहाँ पे मंथ इंटर करेंगे और यहाँ पे ईयर इंटर कर लेंगे और इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। चलिए हम इंटर कर लेते हैं और इसको सबमिट करेंगे और यहाँ पे शो हो जाएगा डेबिट कार्ड वैलिडेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली और इसको ओके कर लेंगे। और यहाँ पे एक यूजर आईडी क्रिएट कर लेंगे और इसके बाद इसको सबमिट करेंगे। चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं और इसको सबमिट करेंगे और इसको ओके कर लेंगे। यहाँ पे जो है एक 4 डिजिट का MPIN सेट कर लेंगे, लॉगिन पिन सेट कर लेंगे और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ट्रांजैक्शन पिन, यहाँ पे 8 डिजिट का ट्रांजैक्शन पिन सेट कर लेंगे। ट्रांजैक्शन पिन का यूज तब होगा जब आप कोई भी पेमेंट करेंगे या फिर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करेंगे या फिर बेनिफिशरी को ऐड करेंगे तो आपसे ट्रांजैक्शन पिन जो है पूछा जाएगा। चलिए हम इंटर कर लेते हैं। और इसको सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे जो है यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड को इंटर करेंगे, जो आपने यूजर नेम बनाया है और जो आपने MPIN सेट किया हुआ है पासवर्ड, इसको यहाँ पे इंटर करेंगे। चलिए हम इंटर कर लेते हैं और इसके बाद जो है सेंट मोबाइल में लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे गॉट इट इसको क्लिक कर लेंगे। सबसे ऊपर जो है आपका नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। अकाउंट से आप अपने अकाउंट्स का डिटेल्स देख सकते हैं, अकाउंट्स की समरी को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड से आप अपने कार्ड्स को मैनेज कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रांसफ़र से आप जो है फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट एंड रिचार्ज से आप जो है बिल पेमेंट कर सकते हैं और मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, सेंट UPI से आप UPI सिस्टम का यूज कर सकते हैं, वैल्यू एडेड सर्विस से यहाँ से जो है आप ATM कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ई लॉकर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी आप दे सकते हैं और नामिनी फैसिलिटी का भी आप यूज यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से जो है आप अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ से जो है आप अटल पेंशन योजना के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैनेज पे से आप जो है बेनिफिशरी को ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। माई पोर्टफोलियो, यहाँ से जो है आप अपना पोर्टफोलियो जो है आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल नेटवर्थ, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी को आप चेक कर सकते हैं। चेक सर्विसेज से आप जो है चेक बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट, यहाँ से जो है आप डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, FD RD और NEFT इंक्वायरी कर सकते हैं, IMPS के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। MMID जो है आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अप्लाई 15G फॉर्म, यहाँ से जो है आप
15G फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को जो है ऑटोमेटिक पेमेंट के लिए जो है सेट करते हैं। जैसे आप किसी अकाउंट में हर महीने जो है पेमेंट करते हैं, अगर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को सेट कर लेंगे तो आपको जो है हर महीने पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये जो है पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ से जो है आप PPF अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, NPS लॉकर, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो है आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन सेंट मोबाइल का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर